हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग फाइनली हिम्मत करके थर्ड डोर के अंदर गया एंड अंदर जाते ही उसने लंजा का ट्री फॉर्म देखा एंड देन उसने लंजा को उसके कर्ज से फ्री किया। पहले विंग को लग रहा था कि लंजा जा रहा है हमेशा के लिए। बाद में उसने रियलाइज़ किया कि लंजा कहीं जा नहीं रहा है बल्कि वो ट्री से ह्यूमन फॉर्म ले रहा था एंड उसने फाइनली लंजा का ह्यूमन फॉर्म देखा। बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि जैसे ही लंजा ने विंग को हग किया, विंग लंजा के बाहों में ही बेहोश हो गया क्योंकि वो एक्सट्रीमली थक चुका था एंड लंजा को कर्ज से फ्री करने के लिए उसे बहुत एनर्जी देने पड़ी थी, जिसकी वजह से विंग के बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था। लंजा पहले पैनिक हो गया, देन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग से बेहोश हुआ है बट वो ठीक है, तब उसे रिलैक्स फील हुआ एंड उसने विंग को कोल्ड स्प्रिंग में लेकर गया। देन वो विंग के बॉडी को क्लीन करने लगा। विंग का बॉडी क्लीन हो चुका था बट स्टिल लंजा अपने हाथों को विंग के बॉडी से हटा नहीं पा रहा था। वो कंटिन्यू विंग को ऐसे ही टच किए जा रहा था, कभी उसके बॉडी को, कभी उसके फेस को या फिर कभी उसके हेयर को। अभी लंजा विंग के हेयर पर अपने हाथ फहरा रहा था, उसके स्कैल को मसाज कर रहा था। धीरे धीरे विंग को होश आने लगा। उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोला था, वो आंखें बंद करके ही अपने सराउंडिंग्स को फील करने की कोशिश करने लगा। उसे फील हो रहा था कि वो किसी के बाहों में है, कोई उसे टाइटली पकड़ के रखा है। उसका चीक, उसका फॉरहेड किसी के स्किन पे है जो कि ह्यूमन स्किन है एंड वो स्किन अभी भीगा हुआ है। देन विंग रियलाइज हुआ कि वो खुद भी पानी में है, उसके शोल्डर तक पानी है एंड एक हाथ उसके स्कैल्प को मसाज कर रहा है। धीरे धीरे विंग को याद आने लगा कि उसके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था, उसका बॉडी अभी इतना सोर एंड हेवी क्यों है, इवनिंग में प्रिंस के साथ क्या हुआ था। उसे रियलाइज हो रहा था कि उसके बॉडी में जो हाथ है, वो जिसके बाहों में है, वो कौन है। उसका ईयर लंजा के चेस्ट पे था तो वो लंजा का हार्ट बीट सुन पा रहा था। वो बहुत टायर्ड था तो वो शॉक भी नहीं हो पा रहा था। वो इमीडिएटली रियलिटी में लौट आया एंड रियलिटी को ग्रेटफुली ग्रेजुअली स्माइल के साथ एक्सेप्ट भी कर लिया। उसे बहुत ही कंफर्टेबल एंड सेफ फील होने लगा। वो अपने फेस को और भी लंजे के करीब लेके जाने लगा। उसने अपने फेस को लंजे के स्किन में प्रेस किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया एंड तब उसे फील हुआ कि जो हाथ उसके स्कैल्प को मसाज कर रहा था वो फ्रोज हो गया है। तो विंग ने और एक सेकेंड भी वेट नहीं किया, उसने लंजा के स्किन पे किस किया। तभी लंजा ने स्वीट एंड फैमिलियर वॉइस में कहा, विंग। तो विंग ने एक बिग स्माइल किया एंड धीरे धीरे उसने अपने आंखें ओपन किया। उसके आईज के सामने लंजा का चेस्ट था एंड उसके हाथ। तो विंग अपनी आँखें खोल के फर्स्ट लंजा के चेस्ट को ही देख रहा था। वो लंजा के बॉडी के लाइंस देख रहा था। उसने फिर से एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो थोड़ा सा अप हुआ। अप होने के बाद उसने लंजा के नेक पे किस किया। उसने पिछले कुछ महीनों से लंजा को बहुत किस किया है बट उसने लंजा के वाइंस को किस किया है, उसके स्किन को नहीं, उसके बॉडी को नहीं। वाइंस को किस करना एंड स्किन को किस करना बहुत डिफरेंट है। उसे फील हो रहा था कि वो फिर से बेहोश होने वाला है बट बेहोश होने से पहले वो काम करना चाहता था जो वो हमेशा ड्रीम पे करता था, जो काम उसने ड्रीम में बहुत किया है एंड अब वो रियलिटी में करने की टाइम आ गया है। उसने अपने हेड को अप किया, अपने हाथ उसने लंजे के चिक्स में रखा एंड देन वो कंटिन्यू लंजे के ईयर से होके फेस पे किस करने लगा एंड देन फाइनली उसने लंजे के लिप्स पे किस किया। लंजे का लिप्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट था। विंग ने इमेजिन तो कर लिया था कि लंजा का लिप्स सॉफ्ट ही होगा बट इतना सॉफ्ट उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जैसे विंग ने किस किया, कुछ सेकंड के लिए लंजा स्टंड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया एंड देन वो भी विंग को किस करने लगा। उन दोनों का किस बहुत ही ब्यूटीफुल था, उसके साथ साथ क्लम्सी भी था। वो लोग एक दूसरे को बार बार किस करने लगे। जिस तरीके से लंजा विंग को पकड़ रहा था, विंग लंजा का डिस्परेशन समझ पा रहा था। विंग ने भी अपने दोनों हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया एंड उसे टाइटली पकड़ा एंड देन वो उसे फिर से किस करने लगा एंड देन फिर से। ऐसे ही वो लोग बहुत बार किस किया
फाइनली वो दोनों अलग हुए। वो दोनों ही बहुत ही जोर जोर से ब्रीथिंग ले रहे थे। विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया, उसे अपने हेड में डिजी फील होने लगा। तभी लंजन अपने फॉरहेड को विंग के फॉरहेड पे रखा। उन दोनों के लिप्स बहुत ही करीब थे। इससे पहले विंग कुछ कर पाता, वो फिर से लंजन के बाहों में बेहोश हो गया। नेक्स्ट टाइम जब विंग का नींद खुला, तब उसे बहुत ही वार्म एंड ड्राई फील हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि वो अपने ब्लैंकेट्स में है एंड वो किसी बेड में है, बट ये बेड थोड़ा सा अनफेमिलियर था। उसने अपने आंखें ओपन किया एंड वो रूम को देखने लगा। ये रूम वो पहली बार डेलाइट में देख रहा था। उसे बाद में रियलाइज हुआ कि ये रूम उसका रूम नहीं है, बल्कि लंजा का पर्सनल बेडरूम है। उसे रियलाइज हुआ कि वो लंजा के बेड पे है। एंड देन विंग को रियलाइज हुआ कि वो यहाँ पर अकेला है। ये रियलाइज़ होते ही विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया, वो पैनिक हो गया, वो एक्सट्रीमली वॉरिड हो गया। उसके बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था, बट फिर वो अपने आप को पुश कर रहा था ताकि वो उठकर खड़ा हो सके एंड लंजा को ढूंढ सके। बट इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाता, लंजा रूम पे आया। उसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड टी था। उसे देखकर विंग को रिलीफ फील हुआ। विंग ने लंजा के बनाए हुए चाय पिया एंड देन वो फिर से सो गया। पूरा दिन बहुत ही काम था, बहुत ही शांत था। विंग का अगेन एंड अगेन होश आ रहा था एंड जा रहा था। इस बार जब विंग ने अपनी आंखें ओपन किया, तब उसे फील हुआ कि लंजा उसके लिए जेंटली गुशिन प्ले कर रहा है। देन लंजा ने विंग के लिए एक स्वीट डिश बनाया था, उसके साथ हॉट टी। इवनिंग तक विंग को फील हुआ कि उसके अंदर इनफ स्ट्रेंथ आ गया है, अब वो इतनी जल्दी बेहोश नहीं होगा। तो उसने लंजा की तरफ देखा एंड स्वीटली कहा, लंजा मेरे पास आओ। लंजा उसके साथ एक साल से रह रहा है एंड वो हर दिन विंग को टच करता था, बट उसके मॉन्स्टर फॉर्म में। ह्यूमन फॉर्म विंग पहली बार देख रहा था, तो विंग लंजा को भी करीब से देखना चाहता था एंड लंजा विदाउट एनी हेजिटेशन विंग के पास आ गया। जैसे लंजा बेड के पास आया, विंग ने लंजा को बेड पे खींचा तो लंजा विंग के बॉडी पे आकर गिरा। अब लंजा का बॉडी ऑलमोस्ट विंग के टॉप पे ही था। उन दोनों का स्किन एक दूसरे से टच कर रहा था, उन दोनों का चेस्ट एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। विंग को फील हुआ कि लंजा उससे हाइट में लंबा है। विंग खुद एक्सट्रीमली लंबा है एंड लंजा उससे भी लंबा है। वो दोनों बहुत करीब थे एंड विंग को थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हो रहा था। वो बस लंजा को ही देखे जा रहा था। वो उसके हेयर को उसके ईयर्स के पीछे टक कर रहा था। उसे बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी उसके ह्यूमन बॉडी को प्रेस कर रहा था। वो किसी दूसरे के स्किन को उसके हीट को फील कर पा रहा था। ऑफकोर्स वो लंजा के साथ एक साल से है, बट लंजा एक ट्री था इतने टाइम से एंड विंग को इस ट्री की हैबिट हो चुकी थी। बट अब लंजा एक ह्यूमन है। वो एंड विंग एक दूसरे से फैमिलियर तो है, बट स्टिल वो दोनों स्ट्रेंजर ही है। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ही करीब है, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट स्टिल वो दोनों स्ट्रेंजर हैं। विंग बस लंजा के आइस की तरफ देख रहा था, उसके गोल्डन आइस। लंजा गोल्डन आइस एंड विंग के सिल्वर आइस एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। विंग उसे देखकर सोच रहा था कि वो इस इंसान से प्यार करता है पिछले एक साल से, बट स्टिल ये फेस उसके लिए गॉर्जियसली स्ट्रेंजर है। विंग को थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को एडजस्ट करने में एंड विंग को पता है कि लंजा उसे ये टाइम देगा भी। एंड विंग अकेला नहीं है जिसे एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए, लंजा के लिए भी ये टाइम चाहिए क्योंकि लंजा भी विंग के इतने करीब पहली बार आया है। वो भी विंग के आइज़ को इतने करीब से पहली बार देख रहा है क्योंकि लंजा को बहुत सेंचुरीज बाद अपने आइज मिला है, तो विंग की तरह लंजा को भी एक्सपीरियंस करने में, एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही थे, एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे को देख रहे थे एंड बिल्कुल शांत थे। वो लंजा के फेस को जितना देख रहा था, उसे फील हो रहा था कि कुछ तो फैमिलियर है इस फेस में, बट क्या फैमिलियर है वो समझ नहीं पा रहा था। लंजा के आईब्रोज, उसके सीरियस फेस, उसके लिप्स, उसके आइज़ का एक्सप्रेशन उसे बहुत ही फैमिलियर लग रहा था। वो अपने आप से कह रहा था कि वो इससे प्यार करता है, इतने गॉर्जियस पर्सन से।
एंटी गॉर्जियस इंसान भी उससे प्यार करता है। वो ये सोचते हुए लंजा को ही देख रहा था। देन विंग रियलाइज हुआ कि लंजा का आइस कहाँ पर है। लंजा का आइस उसके लिप्स पे है। लंजा इंटेंसली उसके लिप्स को ही देख रहा था। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने प्लेफुली कहा, लंजा क्या तुम मेरे लिप्स को देख रहे हो? ये सुनते ही लंजा को रियलाइज हुआ कि विंग समझ चुका है, तो उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। तो विंग ने लंजा के ईयर्स को देखा। लंजा के ईयर्स थोड़ा सा पिंक हो गया था। ये देख के विंग समझ गया कि वो सही सोच रहा था, तो वो हंसने लगा। उसने अपने हाथों को लंजा के नेक पे रैप कर लिया एंड अपने फिंगर्स को लंजा के बैक में फहराने लगा। उसने टिस करते हुए कहा, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? विंग देख पा रहा था कि लंजा का ईयर्स बिल्कुल रेड हो रहा है। लंजा ने कुछ टाइम बाद हेजिटेटली कहा, ऑफकोर्स विंग को लंजा का आंसर पता था, बट लंजे से आंसर सुनने के बाद उसका हार्ट जैसे फास्ट हो गया। उसके अंदर जैसे लंजा को किस करने के लिए डिजायर जगने लगा। उसने लंजा को भी टाइटली पकड़ा और कहा, देन मुझे किस करो। लंजा ने कुछ टाइम के लिए अपने आप को कंट्रोल किया, बट देन उससे कंट्रोल नहीं हो पाया एंड वो विंग को स्वीटली जेंटली किस करने लगा। जैसे उन दोनों ने किस करना शुरू किया, विंग को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। उसे बहुत ही स्वीट एंड वार्म फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद जब वो दोनों अलग हुए, विंग ने कहा, तुम्हें ऐसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जब चाहो जितना चाहो किस कर सकते हो। ये बोलकर विंग सोच रहा था कि लंजा को किस करना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो लंजा जब भी उसे किस करना चाहेगा विंग विलिंगली उसे किस करेगा। एंड इस तरफ लंजा, उसे बस इसी परमिशन की ज़रूरत थी। एंड जैसे विंग ने ये कहा, लंजा ने इमीडिएटली विंग को किस करना शुरू किया। शुरू शुरू में वो दोनों बहुत ही लाइट एंड डेलिकेट किस कर रहे थे एंड देन उनका किस हीटेड होते जा रहा था, हॉट होते जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को अगेन एंड अगेन किस किए जा रहे थे। धीरे धीरे उन दोनों का किस आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था एंड देन लंजा ने विंग के लिप्स को वाइट किया। इससे विंग के पूरे बॉडी में गुस्जम्स आ गया। अब लंजा विंग को और भी डीप किस करने लगा एंड विंग किस के दौरान मोनिंग करने लगा। उन दोनों का हाथ एक दूसरे के शोल्डर्स, चेस्ट, नेक एंड फेस में ही फहराने लगा। विंग को डिजी फील हो रहा था। उसका बॉडी लास्ट नाइट की वजह से अभी तक पेन कर रहा था, सोर हो चुका था, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके दिल में, उसके बॉडी में अभी हंगर जग रहा था। क्योंकि अब लंजा का बॉडी विंग के बॉडी के बहुत ही करीब था, विंग के बॉडी को प्रेस कर रहा था, तो विंग और भी एक्साइटेड हो रहा था। विंग के अंदर डिजायर जग रहा था कि वो लंजा के बॉडी को टच करे, क्योंकि वो यहाँ पर एक साल से है एंड एक साल से लंजा ने हर दिन विंग को टच किया है, उसे अच्छा फील कराया है। विंग को समझ में नहीं आता था कि लंजा कैसे फील करता था। हाँ, लंजा ने उसे बताया था कि वो भी फील कर पाता था, उसे अच्छा लगता था, बट तब लंजा ट्री था एंड अब लंजा एक ह्यूमन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तब विंग लंजा को फीट कराता था, बट अब फीट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब उनका टच प्रॉपर लव मेकिंग था। वो दोनों एक दूसरे को अपने फीलिंग से टच कर रहे थे, तो विंग लंजा को और भी अच्छा फील कराना चाहता था उसके बॉडी को टच करके। तो उसने स्वीटली कहा, हैंगवांग जून। ये बोलते हुए विंग ने अपने हाथ को लंजा के चेस्ट में रखा और कहा, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? जैसे विंग ने लंजा के चेस्ट को टच किया, लंजा का ब्रीथिंग जैसे रुक ही गया। उसने अर्जेंटली कहा, हाँ। तो ये सुन के विंग ने एक डेविलिश स्माइल किया एंड अब वो लंजा के बॉडी को हॉटली टच करने लगा। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग किसी के बॉडी को टच कर रहा था। अपने खुद के अलावा लंजा ही पहले इंसान था जिसके बॉडी को विंग टच कर रहा था। वो लंजा के बॉडी को बहुत ही हॉटली टच कर रहा था। वो जितना हॉटली टच कर रहा था, लंजा का ब्रीथिंग उतना ही फास्ट होते जा रहा था। वो दोनों ये भी किस कर रहे थे एंड विंग का टच जितना हॉट हो रहा था, लंजा का किस उतना ही अर्जेंट एंड पॉजेसिव होते जा रहा था। फाइनली लंजा विंग अलग हुए, बट विंग का टच नहीं रुका। वो ये भी लंजा की बॉडी को टच कर रहा था, तो लंजा ने अपने फेस को विंग के नेक पे रखा। जब विंग को फील हो रहा था कि उसके टच की वजह से लंजा और भी इनकरेज हो रहा है, तो वो लंजा को और भी हॉटली टच करने लगा और भी टीस करने लगा। तो लंजा भी विंग के नेक के पास ब्रीथिंग लेने लगा। वो विंग के नेक पे किस करने लगा, बाइट करने लगा। कुछ टाइम तक टच करने के बाद लंजा ने विंग के शोल्डर पे एक बहुत ही ज़ोर से बाइट किया। विंग को लगा कि अभी के लिए उनका इंटेंस टच ख़त्म हो गया है, अभी वो सो जाएगा,
बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं हुआ। विंग को लगा था कि लंजक शांत हो गया था, बट नहीं, लंजक कुछ टाइम के लिए शांत हुआ था, बट देन लंजक का आइस और भी डार्क हो गया। उसके अंदर एग्रेसिवनेस, हंगरनेस फिर से आ गया। लंजक इमीडिएटली विंग के लिप्स में किस करने लगा, बहुत ही डीपली। वो विंग के बॉडी को और भी हॉटली टच करने लगा, एंड विंग का बॉडी इमीडिएटली हॉट भी हो गया। अब विंग के लिए ब्रीथिंग करना हार्ड हो गया था, क्योंकि अब लंजक का बॉडी कम्प्लीटली उसके ऊपर था। वो लंजक के बॉडी के वेट को फील कर पा रहा था। लंजक के आंखों में उसके लिए जो डिज़ायर था, उसके वजह से विंग और भी हॉट फील कर रहा था। उसके अंदर डिज़ायर एक्सट्रीमली बढ़ गया था। लास्ट नाइट के बाद विंग ने सोचा था कि वो कुछ दिनों के लिए रेस्ट करेगा, बट अब उससे ये नहीं होगा। अब वो अपने डिज़ायर्स को इग्नोर नहीं कर सकता। उसने लंजक के बॉडी को टाइटली पकड़ लिया एंड वो लंजक से बेग करने लगा। एंड लंजक ने भी ज़्यादा वेट नहीं कराया, वो विंग के हर एक डिमांड को पूरी करने लगा एंड उसे प्रॉपरली टच करने लगा। विंग लंजक से बेग करता रहा एंड लंजक विंग का हर एक डिमांड पूरी करता रहा। इस बार उन लोगों ने एक प्रॉपर लव मेकिंग किया। ना विंग का मॉर्निंग रुक रहा था और ना ही लंजक का टच। विंग लंजक के टच में बिल्कुल खो गया था। एंड फाइनली इंटेंस लव मेकिंग के बाद वो दोनों शांत हुए। लंजक विंग के पास में ही लेटा हुआ था, उसके साइड में। देन फाइनली विंग ने अपने अंदर स्ट्रेंथ लाया एंड वो लंजक के और भी करीब गया। उसने लंजक के बॉडी में अपने हाथों को रैप कर लिया एंड अपने हेड को लंजक के चेस्ट में रखा। लंजक ने भी विंग के बॉडी को रैप कर लिया। वो दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे एक दूसरे के बाहों में। विंग के दिमाग में एक मिक्स फीलिंग था, जो कि एक्सट्रीमली हैप्पीनेस का था, डिसबिलीफ का था एंड कन्फ्यूजन का था। उसे पता नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या है, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, लंजक का उसके साथ रहना कैसे पॉसिबल हुआ, उसे नहीं पता। विंग को पता था कि कर्स टूटने के बाद लंजक फ्री हो जाएगा, वो चला जाएगा, बट अभी वो लंजक के बाहों में था। अभी उन लोगों ने रियल एक्सपीरियंस किया है लव मेकिंग का, जो कि इतने टाइम से उसके लिए एक फैंटेसी था, एक ड्रीम था, जो कि पूरा करना इम्पॉसिबल था। विंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस था, बट अभी वो ये सब पूछना नहीं चाहता। अभी वो इस टाइम को एंजॉय करना चाहता है। विंग का ईयर लंजक के चेस्ट में था, तो वो लंजक का हार्ट बीट सुन सकता था। विंग को लग रहा था कि शायद ये सब रियल नहीं है, ये सब ड्रीम है, बट अगर ये ड्रीम है तो विंग नींद से उठना नहीं चाहता, वो इस ड्रीम को तोड़ना नहीं चाहता, वो इस ड्रीम में ही जीना चाहता है। ये सब सोचते हुए धीरे धीरे विंग सो गया, बट लंजक नहीं सोया, वो अभी तक जगा हुआ था। वो विंग के बॉडी में अपने हाथ को फहराने लगा। फील हो रहा था कि अभी वर्ल्ड कितना पीसफुल एंड क्वाइट है। आज से पहले लंजक ने कहीं भी अपने एंड विंग के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए अपने आप को अलाउड नहीं किया था, बट आज लंजक अपने आप को अलाउड कर रहा था। वो उसके एंड विंग के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहता था, प्लान करना चाहता था। वो सोच रहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठेगा तब लंजक उसे बिल्कुल फ्रेश फील कराएगा, वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा एंड देन वो विंग के साथ डिस्कस करेगा कि वो अभी तक यहाँ पर कैसे हैं एंड उनका फेट कैसे चेंज हुआ, एंड शायद विंग ही उसके प्रीवियस लव येलिंग पैट्रियार्क है जो कि रिबॉर्न हुआ है। लंजक श्योर नहीं है कि उसका ये थ्योरी रियल हो भी सकता है या नहीं, बट वो इसके बारे में विंग के साथ डिस्कस करेगा। वो दोनों एक साथ अपने फ्यूचर के लिए प्लान बनाएंगे एंड शायद प्लान बनाते हुए वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड एक दूसरे को किस भी करेंगे, एंड देन उनका डिस्कशन होल्ड हो जाएगा एंड वो लोग वो डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। बट ये सब कल होगा, आज के लिए लंजक बस ऐसे ही विंग के साथ रहना चाहता है, विंग को अपने बाहों में रखना चाहता है, वो विंग के जेंटल ब्रीथिंग को सुनना चाहता है। लंजक पिछले एक साल से विंग के साथ ही है, वो हर रोज़ विंग को सोते हुए देखता था, बट तब वो ऐसा फील नहीं कर पाता था जो वो आज कर पा रहा है। आज विंग उसके बाहों में था, उसके ह्यूमन फॉर्म में। लंजक को इतना अच्छा फील हो रहा था कि वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता एंड वो हमेशा ऐसे ही विंग के साथ रहेगा। ये सोचते हुए लंजक भी विंग के साथ डीप स्लीप में चला गया एंड शायद सेंचुरीज बाद लंजक आज पहली बार सो रहा है, वो भी अपने प्यार के साथ। अब देखते ही देखते 2 हफ्ता हो गया। आज विंग लंजक को एक न्यू रोप पहना रहा था, क्योंकि आज वो दोनों यांगमिंग जाने के लिए जर्नी स्टार्ट करेंगे। विंग लंजक को आउटर रोप पहनने में हेल्प कर रहा था
हालांकि लंजा ये खुद भी कर सकता है, बट ये विंग के लिए एक एक्सक्यूज था लंजा के बॉडी को टच करने का। वो पिछले 2 हफ्तों से ऐसे ही कर रहा है, वो हर दिन एक्सक्यूज ढूंढ रहा था सिर्फ लंजा के बॉडी को टच करने के लिए। एंड लंजा भी इस चीज़ को ग्लैडली एक्सेप्ट भी कर रहा था, उसे भी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली विंग ने लंजा के लिए 3 सेट्स ऑफ हार्मफू बनाया था अपने जुओ जीजीए से, तो आज विंग वही हार्मफू लंजा को पहना रहा था। ये हार्मफूज बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत यूनिक भी। हर एक हम्फूज बहुत ही डिफरेंट है। जीजीए ने हर एक हम्फू कूल टोन्ड वाइट सिल्क से बनाया है एंड उसके ऊपर ब्लू एंड सिल्वर का एंशिएंट टच भी है। एंड ये पहन के लंचा बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, विंग ने कहा। जीजीए ने बहुत ही वंडरफुल काम किया है, ये कपड़े तुम्हें मेरे कपड़ों से ज़्यादा सूट करता है। ये बोल के विंग सोच रहा था कि जब से लंचा ह्यूमन बॉडी पे आया है तब से उसने पहले से सिर्फ एक बार ही वो बाहर गया है एंड तब उसने विंग का कपड़ा पहना था। विंग के क्लोथ उसके लिए थोड़ा सा टाइट था एंड हाइट में थोड़ा सा छोटा भी था, क्योंकि लंजा का बॉडी बहुत ही मस्क्यूलर है विंग से ज़्यादा। एंड लंजा हाइट में भी विंग से थोड़ा सा टॉल है, बट स्टिल लंजा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बट विंग ने ही लंजा को मना किया। विंग को लग रहा था कि लंजा के लिए डार्क ब्लूज एंड ब्लैक्स ठीक नहीं है, ये लंजा के कलर्स नहीं है। विंग के हिसाब से लंजा थोड़ा सा डिफरेंट कलर डिजर्व करता है, जैसे कि ब्लू, वाइट, सिल्वर, क्योंकि विंग को लगता है यही कलर्स लंजा के नेचर से मैच करता है। तो जैसे ही विंग ने कहा लंजा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लंजा ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। ये देख के विंग का हार्ट जैसे वार्म हो गया। शुरू शुरू में विंग को लगता था कि लंजा इतने टाइम से ट्री था तो शायद इसलिए लंजा ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, वो ऐसे ही कोल्ड रहता है। बट अब विंग को फील हो रहा था कि लंजा का नेचर ऐसा ही है, वो शायद पहले भी ऐसा ही था, क्वाइट, पोलाइट एंड रिजर्व्ड। एंड विंग को यही लंजा पसंद है। विंग को फ़र्क नहीं पड़ता कि लंजा का नेचर कैसा है, उसके साथ लंजा है यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे ही अभी लंजा ने स्माइल किया, विंग को भी डिलाइट फील हो रहा था, उसे और भी अच्छा लग रहा था। विंग का बहुत मन कर रहा था कि वो एक बार लंजा को किस करे, बट उसने अपने को कंट्रोल किया, क्योंकि उसे पता है कि अगर उन लोगों ने किस करना शुरू किया तो अभी उसने लंजा को जो भी कपड़े पहनाया है वो अभी के अभी उतर जाएगा एंड वो लोग फिर से लंजा के बेड पे होंगे एंड पूरा दिन बेड से नहीं निकलेंगे। तो विंग ये रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उन्हें निकलना है यांगमिंग के लिए। तभी विंग को कुछ याद आया, उसने कहा ओह वेट। ये बोल के विंग कवर्ड के पास गया एंड वो अपने हाथों में कुछ लेकर आया। उसने लंजा के हाथों में दिया और कहा तुम जैसा चाहते थे जीजी ने बिल्कुल वैसा ही बनाया है, आई होप ये तुम्हारे लिए ठीक है। लंजा ने अपने हाथों की तरफ देखा, उसके हाथों में एक स्काई वाइट सिल्की रिवन था। उसे देख के लंजा को बहुत ही रिलीफ फील हुआ, ये जिस विंग ने भी नोटिस किया। विंग ने देखा कि लंजा ने स्मूथली उस रिवन को अपने फॉरहेड पे टाई कर लिया। जब लंजा ने विंग से ये रिक्वेस्ट किया था तब विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि लंजा रिवन क्यों चाहता है। तो लंजा ने कहा था कि वो रिवन के बिना पब्लिक में वॉक करना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। लंजा ने ये भी कहा था कि ये उनका क्लैन का ट्रेडिशन है। ये सुनकर विंग को याद आ गया कि उसने कहीं पर पढ़ा था कि लान क्लैन के लोग अपने फॉरहेड पर रिबन पहनते थे। विंग को पता है कि ये रिबन प्रॉपर तो नहीं है, बट लंजा ने कहा था कि अभी के लिए यही ठीक है। अब जब विंग लंजा को देख रहा था उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ही ईज फील हो रहा था, क्योंकि लंजा फुल्ली ड्रेस्ड था विथ रिबन। वो सच में प्रिंस दिख रहा था, वो बहुत ही कंप्लीट दिख रहा था। एंड विंग ने कुछ दिनों से नोटिस किया है कि उसे हमेशा लगता है कि लंजा बहुत ही परफेक्ट है एंड स्पेशली कुछ दिनों से उसे ऐसा ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो लंजा को बहुत ही करीब से जानता है, वो दोनों बहुत ही फैमिलियर है। एंड अभी लंजा को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि लंजा अभी कंप्लीट है, वो अभी प्रॉपर आउटफिट में है। पता नहीं विंग को ऐसा क्यों लग रहा था, हालांकि वो लंजा को पहली बार ऐसे देख रहा था, पर स्टिल उसे लग रहा था कि लंजा अब परफेक्ट है, उसका आउटफिट अब कंप्लीट है। लंजा ने उसे कहा था कि लंजा को लगता है कि विंग ही येलिंग पैट्रियार्क है जो कि फिर से रिबॉर्न हुआ है। लंजा ने इसके पॉसिबिलिटीज के बारे में विंग को बताया था। लंजा ने अपनी थ्योरीज के बारे में विंग को बताया था। विंग को पता नहीं कि ये थ्योरीज रियल है या फिर नहीं, ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है या नहीं, बट एनीवेज चाहे जो भी है वो अभी लंजा के साथ है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है।
यही सोचते हुए वो लंजे की तरफ लीन्ड हुआ, उसने लंजे के लिप्स में एक क्विक किस किया और कहा, तो क्या हम रोड पर जाने के लिए रेडी हैं? लंजे ने पहले कुछ कहा नहीं, वो विंग के थोड़ा सा करीब गया, उसे अपने करीब खींचा एंड टाइटली पकड़ के रखा। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को किस करे बहुत ही डीपली, पर उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो दोनों अभी बेड पे होंगे, वो दोनों बाहर नहीं जा पाएंगे। तो उसने एक शाई किया एंड वो विंग से अलग हुआ। दिन वो अपने गुचिंग के पास गया, उसने गुचिंग को पैक किया एंड अपने बैग पे कैरी किया और कहा, रेडी। उन लोगों ने अपने साथ बहुत ही कम सामान लिया है, जैसे कि ज़्यादातर क्लोथ्स, कुछ फूड्स, इनफ गोल्ड जो कि लंजा सेंचुरी से कलेक्ट कर रहा था, एंड बाहर लिटिल एपल ऑलरेडी वेट कर रहा है। जब जीजी ने सुना था कि लंजा एंड विंग यांगमिंग के लिए ट्रिप करेंगे, तब जीजी ने ही उन दोनों को फोर्स किया डोंकी लेने के लिए, ताकि उन दोनों का जर्नी और भी आसान हो जाए। उन्होंने ये डोंकी तब दिया था जब विंग लंजे के कपड़े उनके शॉप से लेने के लिए गया था। इस बार भी वो पैसे नहीं ले रहे थे, बट इस बार विंग ने बहुत बार इंसिस्ट किया, तब जाके उन्होंने ये प्राइस एक्सेप्ट किया। अभी लंजे एंड विंग का प्लान यही है कि वो लोग लोटस पियर जाएंगे विंग के फैमिली से मिलने। देन वो लोग टाउन के सारे लोगों से पूरा स्टोरी बोलेंगे और उनसे कहेंगे कि लंजा ही प्रिंस है। ट्रॉल विंग एक साल से यहाँ पर है, जिसके वजह से किसी को भी अपने बेटे को यहाँ पर भेजना नहीं पड़ा है। अगर विंग ने सबको सारा स्टोरी नहीं बताया तो शायद वो लोग डर जाएंगे कि शायद उनका फसल नष्ट हो जाएगा, एंड देन वो लोग कुछ जाने बिना ही अपने बेटियों को पैलेस में भेजेंगे सेक्रीफाइस के लिए, एंड देन वो लड़कियाँ कभी भी अपनी फैमिली पे लौट नहीं पाएंगी, एंड ये ट्रेडिशन चलता ही रहेगा। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसे अपने टाउन को, हर एक टाउन को ये इन्फॉर्म करना ही होगा, एंड उसे ये शुरुआत अपने टाउन से ही करना होगा। देन ये काम हो जाने के बाद ईस्ट पे जाएंगे, गुसुके माउंटेन्स पे, जहाँ पर लान सेक्ट है। हालांकि लंजे को पता है कि उसका सारे रिलेटिव्स अभी तक इस दुनिया छोड़ के चले गए होंगे, कि वो सेंचुरीज पहले का प्रिंस है, तो अभी तक किसी का जिंदा रहना तो इम्पॉसिबल है। पर स्टिल वो वहाँ पर जाना चाहता है, उसे लगता है कि वहाँ पर जाना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो अपने भाई के बारे में जानना चाहेगा वहाँ पर जाकर, एंड सबको इन्फॉर्म करना चाहेगा कि वो ही सेकेंड यंग मास्टर लांग वांग जी है, एंड वो सबको अपना स्टोरी बोलना चाहेगा ताकि सबको प्रॉपर स्टोरी पता चले। देन लंजा वहाँ से अपने लिए प्रॉपर रिबन भी बनाएगा, देन वो अपने तलवार को भी लेगा, अपने बीचेन को। वो लोग यही होप कर रहे हैं कि शायद उसका बीचेन किसी एंशियंट म्यूजियम पे रहेगा, बट अगर नहीं रहा तो लंजा अपने लिए एक न्यू तलवार भी लेगा। विंग को रियलाइज हुआ कि अब उसे नाइटन पे अकेला नहीं जाना पड़ेगा, अब उसके साथ एक पार्टनर भी होगा। एंड विंग ने बहुत सुना है कि प्रिंस ऑफकोर्स लंजा, जो कि एक टाइम में बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर थे, उनके टाइम में उनके ऐसा कल्टिवेटर और कोई भी नहीं था। लंजा पावरफुल के साथ साथ इंटेलिजेंट भी था, एंड विंग को ये प्रूफ मिल भी चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लंजा ने विंग किडनैपर के साथ फाइट किया था, तभी विंग समझ गया था कि लंजा कितना फियर्स फाइटर है। तब लंजा सिर्फ एक ट्री था, बट अगर लंजा के हाथ में तलवार आ गया तो वो और भी फियर्सली फाइट करेगा। विंग से वेट नहीं हो रहा था लंजा को तलवार से फाइट करते हुए देखने के लिए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लोग नॉर्थ वेस्ट पे जाएंगे लालनिंग में। विंग अपने सीजीए से लंजा का इंट्रोड्यूस करना चाहता है, क्योंकि लंजा एंड सीजीए दोनों ही विंग के लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो विंग चाहता है कि उसका सीजीए ही उसके एंड लंजा के वेडिंग के लिए प्लानिंग करे। यही सोचते हुए लंजा एंड विंग पैलेस के बाहर निकले, वो लोग डिल लेवल के पास आए। जैसे ही वो लोग एप्पल के पास आए, लंजा ने इमीडिएटली विंग को एप्पल के ऊपर बिठा दिया। ये देख के पहले विंग शॉक्ड हो गया, तो उसने हंसते हुए शाउट करते हुए कहा, हैंग वांग जून। तो लंजा ने कहा, रिलैक्स, लास्ट नाइट तुम्हारे लिए बहुत ही टफ था। ये सुनकर विंग और भी हंसने लगा, उसने प्लेफुली कहा, क्या सच में, एंड ये किसका फॉल्ट है? ये बोल के विंग सोच रहा था कि सच में पिछले दो हफ्तों से उन लोगों के हर एक नाइट, हर एक मॉर्निंग थोड़ा सा टफ ही रहता है। विंग पैलेस से सिर्फ फूड एंड हंट के लिए निकलता था, बाकी के टाइम विंग कंफर्टेबली अपने पार्टनर के साथ ही स्पेंड करता था। वो लोग एक दूसरे को टच करने का मौका कभी भी नहीं छोड़ते थे,
उन लोगों को जब भी मौका मिलता था एक दूसरे को टच करने का, वो दोनों अपने आप को नहीं रोकते थे। चाहे वो लंचा के बेडरूम पे हो, चाहे वो विंग के बेडरूम पे हो, चाहे कोर्टयार्ड हो, कोल्ड स्प्रिंग हो या फिर पैलेस के वॉल्स हो। विंग एक साल से इस पैलेस में है लंचा के साथ एंड वो हर दिन लंचा का अटेंशन फील कर पाता था, बट अब उसे और भी अच्छा लगता है। जब भी लंजू उसे होल्ड करता है एंड उसे सेंसलेसली टच करता है, विंग बहुत ही इन्जॉय करता है एंड वो इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि वो लास्ट दो हफ्ता उसने बहुत इन्जॉय किया है। फैट कभी कभी विंग जोक भी करता था ये कहते हुए कि लंजा आए भी विंग से फीड कर रहा है ताकि वो अपनी ह्यूमन बॉडी को मेंटेन कर सके, या फिर वो आए भी विंग से एनर्जी ले रहा है ताकि वो अपने हैंडसम फेस को मेंटेन कर सके। बट ऑनेस्टली लंजा को इन सबकी ज़रूरत नहीं था, बट लंजा के अंदर जो हंगर था विंग के लिए वो नेचुरल था जो विंग फील कर पाता था। एंड ऑनेस्टली लास्ट नाइट सच में बहुत ही टफ था। उन लोगों ने एक घंटे के लिए लव मेकिंग किया था बट उन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। देन विंग खुद लंजा को टच कर रहा था, उसने फिर से लंजा को प्रोवोक किया एंड देन उन लोगों ने फिर से एक घंटे के लिए लव मेकिंग किया। उन लोगों का पूरा रात ऐसा ही चलता रहा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका नींद खुला तब उसका पूरा बॉडी सोर हो चुका था। तो अभी डोंकी राइड करना कोई बैड आइडिया नहीं, क्योंकि अभी विंग के लिए चल पाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो विंग ने लंजा का सजेशन एक्सेप्ट कर लिया, बट स्टिल वो लंजा को टीस तो करेगा ही। तो उसने कहा, लंजा मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये बोल के विंग ने एक फेक स्कोल्डिंग टोन से कहा, क्या तुम अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे हो? क्या तुम अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे हो कि तुम्हारे वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा? लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था एंड देन वो लिटिल लवर को लेकर आगे बढ़ने लगा। उसने बहुत ही कामली कहा, क्या मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए? ये सुनकर विंग फिर से शॉक हो गया। उसने हंसते हुए कहा, कितना शेमलेस हो तुम, वैसे भी मैं सरप्राइज नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो लंजा के हेयर रिबन पे अपने हाथ को फेरने लगा। उसने कहा, तुम पिछले एक साल से मुझे हर रात टच कर रहे हो, वो भी तब तक जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊँ। तो आई गेस तब तुम्हारा फेस नहीं था इसलिए मैं तुम्हारा एक्सप्रेशन देख नहीं पाता था, बट आई एम श्योर तुम तब भी ऐसे ही प्राउड फील करते थे जैसे तुम अब कर रहे हो। ये बोलते हुए उसने एक ब्राइट स्माइल किया एंड वो थोड़ा सा लीन्ड हुआ लंजा के फेस को देखने के लिए और कहा, बोलो लंजा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते रहोगे? ये बोल के विंग ने प्लेफुली कहा, आई मीन तुम मुझसे कब तक फीड करोगे? एक और रात, एक और महीना, एक और ईयर, तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ, हालांकि विंग लंजा का पूरा फेस नहीं देख पा रहा था बट वो उसका साइड प्रोफाइल देख पा रहा था एंड वो देख पा रहा था कि लंजा स्माइल कर रहा है, उसके आइस में एक सॉफ्टनेस है। ये देखते ही विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। लंजा ने सिंसियरली कहा, हमेशा के लिए अगर तुम अलाउ करोगे तो। ये सुनते ही विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। सच में वो लंजा से बहुत प्यार करता है। तो उसने सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, यू नो व्हाट लंजा, आई थिंक तुम्हारा आइडिया परफेक्ट है हमेशा के लिए। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ टर्न किया एंड एक बिग हैंडसम स्माइल किया। उसका पूरा फेस ग्लो कर रहा था। ये देख के विंग को बहुत ही डिजी फील हो रहा था। सच में लंजा कितना ब्यूटीफुल है। विंग बस लंजा के फेस को देखता ही रह गया। दिल लंजा ने अपने फेस को टर्न किया आगे के रास्ते की तरफ ताकि वो लोग स्मूथली चल सके एंड गिर ना जाए। विंग सोच रहा था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अनसर्टेनिटी में ही स्पेंड किया है। जब वो छोटा था वो टाउन टू टाउन ट्रैवल करता था नेक्स्ट मील के लिए। देन लोटस पियर में उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, उसे सबको हैप्पी रखना था ताकि घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कलेश ना हो, उसे लेकर कोई फाइट ना हो एंड उसे घर से निकाला ना जाए। विंग को हर दिन सिर्फ सर्वाइव करने के लिए सोचना पड़ता था। वो हर मॉर्निंग न्यू होप करता था एंड होप के साथ ही अपना डे स्टार्ट करता था। बट अब लंजा उसके साथ है, विंग को वो इंसान मिल गया है जो उसे कहीं भी छोड़कर नहीं जाएगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एंड लंजा के साथ उसे रहना अच्छा लगता है, उसे सर्वाइव नहीं करना पड़ता बल्कि वो अपनी मर्जी से रहता है। उसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई वरी नहीं है, वो अपनी लाइफ को जी पाता है फ्रीली। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी लंजा के साथ ऐसे ही बिताना चाहता है। वो अपने लाइफ में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता,
उसे सिर्फ लंचा चाहिए और कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए वो दोनों अपने रास्ते में ऐसे ही बढ़ते रहे। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड ये फैन फिक्शन, ज़रूर बताना। एंड गाइस, आई नो आप लोग यही पूछोगे कि क्या लंचा एंड विंग को पता नहीं चला कि विंग ही येलिंग पैट्रियार्क है। तो गाइस, लंचा को तो डाउट हो चुका था एंड उसने इस बारे में विंग को भी बताया। उन दोनों में से कोई भी श्योर नहीं था, बट हम जानते हैं कि विंग ही येलिंग पैट्रियार्क है। एंड लंचा एंड विंग को इस बारे में फ़र्क भी नहीं पड़ता। उन लोगों ने पास्ट को भुलाकर अपने लाइफ में न्यू शुरुआत किया है एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैप्पी है, यही बहुत बड़ी बात है ना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। तब तक के लिए टर्रेकिया स्टे सेफ, बाय।